Hello everybody, welcome again. In our last lecture, we studied about the articles, okay, and where we studied the usage of a and an, okay. Now today we are going to start with the usage of the. So let's start. Topic is same, articles, okay. Firstly, हम लोग रीड करेंगे यहाँ पे यूजेज ऑफ द की मेन मेन कहाँ पे मतलब हमारा द का जो है वो यूज होता है, ठीक है. बिफोर प्रॉपर नाउन्स व्हेन दे रेफर टू द, जब हमारे प्रॉपर नाउन्स होते हैं, प्रॉपर नाउन होता है एक पर्टिकुलर पर्सन प्लेस, ठीक है, ऐसा वाला, उसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर नाउन्स. तो देखिए, जहां पे हमारे हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स की बात होती है जो पुराने समय से बनाई हुई है, ठीक है, उनके बारे में बात करते हैं. जैसे हम एग्जाम्पल ले लें ताजमहल की, तो उनके साथ हम द का यूज करते हैं. जो बड़े बड़े माउंटेन रेंजेस होती हैं, हम उनके साथ भी द का यूज करते हैं. हमारे प्लैनेट्स के साथ भी हम द का यूज करते हैं. जो हमारी नदियां होती हैं, रिवर्स, उनके साथ भी द का यूज होता है. उसी तरह ओशंस के साथ भी, ग्रुप्स ऑफ द आइलैंड, आइलैंड के बारे में बात करेंगे तो वहां पर हम द का यूज करेंगे. अब आते हैं ऑर्डिनल्स. ऑर्डिनल्स होते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ठीक है, इनके साथ भी हम क्या करते हैं, अपने द का यूज करते हैं, ठीक है. नेम्स ऑफ कंट्रीज, जो मतलब अलग अलग कंट्रीज होती है, उनके नाम होते हैं, उनके साथ भी हम द का यूज करते हैं. स्टेट्स के साथ भी द का यूज करेंगे, ठीक है, मतलब राज्य. न्यूज़पेपर्स के नाम होते हैं, उनके साथ द का यूज होता है. मैगजीन्स के साथ, डेजर्ट्स के साथ. सुपरलेटिव डिग्री, अब बात आती है सुपरलेटिव डिग्री की, ठीक है. जैसे सुपरलेटिव डिग्री हमारे पास कौन सी होती है, जैसे हम बात करें गुड, बेटर, बेस्ट, जो हमारा बेस्ट है वो क्या है, एक सुपरलेटिव डिग्री है, और उसके साथ भी हम क्या करते हैं, द का यूज करते हैं. कोई भी सुपरलेटिव डिग्री होगी उसके साथ द का यूज होगा, ठीक है. होटल्स की बात करेंगे, उसके साथ द का यूज होगा. नेम ऑफ ट्रेन्स, जो हमारी ट्रेन्स के नाम होते हैं, हम उसके साथ भी क्या करते हैं, अपने द का यूज करते हैं. आई होप कि क्लियर हो गया. चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे. ओके, कुछ एग्जाम्पल्स हमारे पास, आप देख सकते हैं द इंडियन ओशन. देखिए, हमने ओशन के बारे में बात की तो हमने क्या किया, यहाँ पे द का यूज किया. अब गंगा हमारे पास रिवर आ रही है एक, ठीक है, इसके साथ भी हमने क्या किया है, द का यूज किया है. फिर हमारे पास एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग आ रही है, ताजमहल, ठीक है, इसके साथ भी द का यूज किया गया है. हिमालयास, माउंटेन रेंजेस है, इसके साथ भी हमने क्या किया है, द का यूज किया है. यूएसए कंट्री है, द का यूज हुआ है. बस इसी तरह से आपको क्या करना है, जो जो पीछे चीजें बताई हैं उनके साथ आपको द का यूज करना है. आई होप कि सबको क्लियर हो गया है. चलिए कुछ आगे देखते हैं नेक्स्ट. ओके, अब हम बात करेंगे बिफोर एन एडजेक्टिव व्हेन इट रिप्रेजेंट्स अ क्लास ऑफ पर्सन. कोई भी एडजेक्टिव, कोई भी विशेषण जब किसी इंसान की क्लास, मतलब उसकी पोजीशन, उसके स्टेट के बारे में बताता है, उस टाइम पे भी हम लोग क्या करते हैं, उसके साथ द का यूज करते हैं. चलिए एग्जाम्पल देखते हैं. ओके, जैसे आप देख सकते हैं बिफोर स्पोर्ट्स कप एंड ट्रॉफीज, जो हमारे स्पोर्ट्स कप होते हैं, ठीक है, ट्रॉफीज होती हैं, उनके नाम से पहले भी हम लोग क्या करते हैं, द का यूज करते हैं, ठीक है. जैसे हमारे पास एग्जांपल आप देख सकते हैं, नंबर ऑफ टीम्स आर टेकिंग पार्ट इन द वर्ल्ड कप. ओके, नंबर ऑफ टीम्स आर टेकिंग पार्ट इन द वर्ल्ड कप. अब देखिए, यहाँ पे वर्ल्ड कप की बात हो रही है और उस वर्ल्ड कप से पहले हमने क्या किया है, यहाँ पे द का यूज किया है, जो क्या है, एकदम सही है. बस इसी तरह से द का यूज आपको करना है स्पोर्ट्स कप और ट्रॉफीज के साथ. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. बिफोर अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट, जब मेजरमेंट की बात चलेगी, ठीक है, कोई भी यूनिट होगा, जैसे आपका मीटर आ गया, ठीक है, और भी यूनिट्स आपके पास होते हैं, उनसे पहले भी आप लोग क्या करेंगे, द का यूज करेंगे. जैसे आप देख सकते हैं, क्लॉथ इज सोल्ड बाय द मीटर. क्लॉथ इज सोल्ड बाय द मीटर, ठीक है, तो हमने यहाँ पे मीटर के लिए क्या लगाया, यहाँ पे द का यूज किया है. आई होप कि क्लियर हो गया. बस ये छोटी छोटी चीजें हैं जहां पे हम लोग द का यूज करते हैं. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. बिफोर द कार्डिनल पॉइंट्स, ओके, बिफोर द कार्डिनल पॉइंट्स पे हम लोग क्या करते हैं, द का यूज करते हैं. हमारे पास जो कार्डिनल पॉइंट्स होते हैं वो होते हैं जैसे ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ, ठीक है, ये पॉइंट्स हमारे पास कार्डिनल, और इनके साथ भी हम लोग क्या करते हैं, अपने द का यूज करते हैं. जैसे आप देख सकते हैं, द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो यहाँ पे हमारे पास कार्डिनल पॉइंट है ईस्ट, इसी के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे द का यूज किया है. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. ओके, नेक्स्ट हमारे पास है बिफोर प्रॉपर नाउन्स फॉर द सेक ऑफ कंपेरिजन. जहां पे किसी प्रॉपर नाउन के बारे में बात हो रही होगी और वहां पे कुछ कंपेरिजन भी किया गया होगा किसी के साथ, तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, द का यूज करेंगे, ठीक है. देखिए, जैसे शेक्सपियर है, शेक्सपियर यहाँ पे क्या है, एक प्रॉपर नाउन है,
ठीक है, एक प्रॉपर नाउन है, पर्टिकुलर पर्सन का है, तो प्रॉपर नाउन है यहाँ पे. तो हमने क्या किया है, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ द इंडिया. यहाँ पे कालिदास का कंपैरिजन किया है शेक्सपियर के साथ, इसीलिए हमने शेक्सपियर के साथ क्या किया है, यहाँ पे द का यूज किया है. आई होप कि सबको समझ में आ गया. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस. ओके, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे द रिच शुड हेल्प द पोअर. ओके, द रिच शुड हेल्प द पोअर. अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक स्टेट शो हो रही है किसी की, ठीक है, किसी की पोजीशन के बारे में पता चल रहा है, तो क्या है उसके साथ हमने द का यूज किया है. सेम एज दैट द ओल्ड आर रिस्पेक्टेड बाय द यंग. यहाँ पे भी हमने ओल्ड के लिए क्या लगा रखा है, द लगाया है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे. द के लिए बहुत सारे रूल्स आते हैं. ओके, बिफोर द नेम ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जो हमारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे कि हमारे पास गिटार आ गया, ठीक है, फ्लूट आ गया, हारमोनियम आ गया, उनके साथ भी हम लोग क्या करते हैं, द का यूज करते हैं. एग्जाम्पल देखते हैं. ओके, ही कैन प्ले द फ्लूट. ही कैन प्ले द फ्लूट. अब आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्लूट क्या है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, इसलिए हमने यहाँ पे द का यूज किया है. सेम एज दैट शी इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग द हारमोनियम. शी इज Fond of playing the harmonium. तो यहां पे हमने हारमोनियम के लिए क्या किया है, द का यूज किया है. आई होप कि क्लियर हो गया. चलिए नेक्स्ट. बिफोर कास्ट एंड कम्युनिटीज. बिफोर कास्ट एंड कम्युनिटीज. देखिए हम द का यूज अपनी कास्ट या कम्युनिटी से पहले भी कर सकते हैं. कास्ट मतलब जाति जो होती है हमारी, और कम्युनिटी मतलब जो हमारे समुदाय होते हैं, ठीक है, उनके साथ भी हम क्या करते हैं, द का यूज करते हैं. जैसे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, द राजपूत्स आर ब्रेव पीपल. द राजपूत्स आर ब्रेव पीपल. यहाँ पे राजपूत्स के लिए हमने क्या किया है, द का यूज किया है. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. ओके, बिफोर द डेट्स, जो हमारी डेट्स होती हैं, ठीक है, उनसे पहले भी हम लोग क्या करते हैं, द का यूज करते हैं. जैसे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल, हमने यहाँ पे 10th of May लिखा है, 10th of May, तो इसके साथ हमने क्या किया, आपने द का यूज किया है, जो बिल्कुल सही है. उसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हैं द 5th of September. कोई भी डेट होगी, कोई भी मंथ के बारे में बात हो रही होगी, हम क्या करेंगे उसके साथ द का यूज करेंगे.